देश भर में मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम का भारी विरोध हो रहा है। पिछले कई दिनों से अग्निपथ स्कीम को लेकर राज्यों में उग्र प्रदर्शन भी किए गए। इस बीच कई संगठनों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सोमवार को भारत बंद भी बुलाया, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं रह सका। हालांकि दूसरी तरफ अब इन विरोध कर रहे युवाओं को किसान संगठनों का भी साथ मिल गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 24 जून को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन का ऐलान करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा, 24 जून को अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में जिला तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होगा, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने इस स्कीम के विरोध का फैसला किया है। टिकैत ने अपने ट्वीट में युवाओं, नागरिक संस्थाओं, दलों से इकट्ठा होने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारतीय किसान यूनियन का 30 जून को होने वाला प्रदर्शन अब 24 जून को होगा। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन ने पहले 30 जून को अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन मौजूदा वक्त में इस स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ऐसे में अब किसान यूनियन ने 30 जून की जगह 24 जून को प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि अग्निपथ स्कीम के भारी विरोध के बीच रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से बताया गया था। इस दौरान ये साफ किया गया था कि योजना अब वापस नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।